हमने ये डबल इंजन सरकार का ये डबल धोखा है ना, डबल डेंजर है ना, फिर और एक बार लोगों के बीच से उभर के आ गया कि वास्तव क्या है, लोग हमें बताया है। और हम पिछले बहुत साल से, जब से ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खातरी कायदे, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये लागू करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे संगठन के सभी यूनिट्स आपको मालूम है। तो इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट लागू करने के लिए पैसा रखे है सिर्फ 60,000 करोड़। हमने पूछे थे 2.5 लाख करोड़ रुपया देना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ग्रामीण एरिया में बहुत बढ़ गया। मगर ये मोदी सरकार है, ये तो आरएसएस का सरकार है, ये आरएसएस का सरकार बीजेपी का पॉलिटिकल विंग है, आरएसएस का बीजेपी, तो उन्होंने सिर्फ 60,000 करोड़ रुपया रखे है। उसी दिन हमने बताए थे ये लोग मनरेगा को ख़त्म करने के लिए आया है, ये ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं है लोग काम करके पैसा लेना और अच्छा ज़िंदगी जीना। अगर लोगों के हाथ में पैसा आया तो वो पढ़ते लिखते, उनका सेहत अच्छा रहता, उन्हें अच्छा ज़िंदगी जीते, स्वाभिमान से ज़िंदगी जीते, होशियार बन जाते। अगर होशियार बन गया तो डबल इंजन सरकार का ये धोखाबाजी पूरा उन समझने लगते। इसीलिए लोग हमेशा भूखे मरना ये बीजेपी सरकार का एजेंडा है। इसीलिए उन्होंने देखो मनरेगा में ये जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसमें इतना मुसीबत, इतना आड़ा डाले है, लाकर डाले है। नंबर वन, इसका टाइमिंग चेंज करे है। हमारे एरिया तो 40 से 45 डिग्री तक धूप रहता, इस धूप में लोग काम करना एक ये नामुमकिन है। मगर वो कहते हैं सुबह 10 बजे से 4 बजे तक काम करने का जगह में रहना, 10 बजे 11 बजे के अंदर एक हाजिरी लेते हैं और उनका फ़ोटो लेते हैं, 4 बजे के अंदर और एक लेते हैं, 2 लेने के बाद ही उनको पेमेंट मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। ये क्या बात है, इतना धूप में, पूरा धूप में हमारे लोग उधर रहना। ठीक है, तो वहाँ फैसिलिटी दे रहे क्या, एक टेंट वेंट तो डाल रहे क्या, पीने के लिए पानी दे रहे क्या, कि एक्ट में वो है, वो सौलभ्य देने के लिए है, मगर वो कुछ भी नहीं कर रहे। मगर लोगों को है ना, एक तरफ फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, दूसरे तरफ उनको कंडीशन डाल रहे कि 10 बजे से 4 बजे तक रहना, ये गलत है। NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है ये हमने कड़ी विरोध करते हैं, इसको चेंज करो। और हमारे ये MP ये सब लोग हैं ना, क्या काम कर रहे हैं वहाँ जाकर बैठ के, क्या काम कर रहे हैं, ऐसा डिपार्टमेंट से सर्कुलर्स आ रहे हैं, कंडीशन कर रहे हैं। हमने कहते हैं NMMS ये बंद करो, और सुबह 8 बजे से 11 बजे के अंदर या 7 बजे से 11 बजे के अंदर इनका क्या है हाजिरी लेना, फोटो वीटो क्या चाहते हो वो ले लो, उसके बाद काम खत्म होने के बाद वो वापस आ जाते घर। हम ये कर रहे हैं। और देखो दूसरा बात ये लाए हैं, अभी अब तक तो उनका अकाउंट के लिए आधार लिंक था, अब ई KYC एक कंपलसरी करे है। ई हम मरे नहीं हम जिंदा है बोलकर वहाँ जाकर थंब देना, बूढ़े लोग जो बुजुर्ग लोग हैं उनको थंब का ये नहीं रहता, थंब भी ये नहीं होता कि इतना मुसीबत में डाले हैं, अब बैंक के सामने हमें क्यों लगाना पड़ता, ये क्या है काम करना, क्या बैंक को लान जाना, काम करने के बाद अगर ई KYC एक का भी नहीं है तो 100 का पेमेंट नहीं होता, ये कहाँ की बात है। और देखो और एक वो लाए हैं कि अब तक एक्शन प्लान होता था, अगर एक भी नया काम आया तो वो ले सकते थे, अब नहीं ले सकते, इतना मुसीबत डाले हैं लोग, काम लेने में वो नाम ये नहीं हो रही है, उनको काम नहीं मिल रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जीरो कर रहे हैं। जब जीरो करने के बाद काम करने के बावजूद भी ये लोग जीरो कर रहे हैं, और जीरो करने के बाद यहाँ जिला पंचायत में भी उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, और तालुक पंचायत ग्राम पंचायत में भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, फुकट में लोगों का श्रम लेना, उनका मेहनत लेना, फुकट में इनके उनको काम करवाना, ये बहुत गलत बात है। हम इसका कड़ी विरोध कर रहे हैं। मनरेगा अगर लोगों को इसका अच्छा इम्प्लीमेंट करके उनको फ़ायदा होना है, ये जो बाद में ये डाले हैं ना सब कंडीशंस, ये निकालो। आपका यही है अंदर का एजेंडा क्या है, लोग ये एक्ट होने के बाद भी इन काम नहीं ले सके, इनको पैसा नहीं मिलना, इन्हें वापस भाग जाना, और धीरे 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 मनरेगा ख़त्म करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का
बात है, इसी ये उनका जो धोरणा है हम इसका कड़ी विरोध कर रहे हैं। हमारे इस एरिया का जो एमपी है, एमपी के घर के सामने हमने दो संगठन वाले, अखिल भारत जनवादी महिला संगठन और उद्योग खात्री कायिक जीविकल संगठन, हम दोनों संगठन मिलके एमपी घर के सामने हम एक बहुत बड़ा पैमाने पे प्रतिभटन का धरना कर रहे हैं। 6 तारीख मार्च। आज जो मनरेगा जो एक्ट है, कानून है, उस कानून को ये डबल इंजन सरकार, ये केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार है, वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि गरीब से गरीब लोगों को सुविधा मिलते हैं। हमारे संविधान में बहुत सारे हमारे लिए हक था, कानून था, लेकिन ये कानून नहीं था जो काम करना अपना मूलभूत हक होना चाहिए। इसलिए उस ज़माने में जो मिलीजुली सरकार थे, उधर लेफ्ट पार्टी अंदर से बाहर से सपोर्ट करते वक्त लागू किए सो एक कानून है मनरेगा, यानी महात्मा गांधी गारंटी उद्योग खात्री जो कानून था, वो कानून को ख़त्म करने के लिए सुबह में एक शाम में एक नए नए नोटिस निकाल रहे है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा इसमें सूचना दे रहे हैं। बड़े पैमाने पे लोग जो काम लेते थे खेड़े गांव में कोविड के कालघट में, कोविड के संदर्भ में काम करने वाले जो लेबर थे वो वापस आया, बड़े बड़े शहर को छोड़ के वापस आया। वापस आते वक्त कितना कष्ट झेला है वो इतिहास गवाह है, लेकिन लोग जब वापस आए अपने छोटे छोटे गांव को, फिर वापस नहीं जा सके, उधर ही खेड़े गांव में हैं, उन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना काम है, ना जायदाद है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है। अगर उन लोगों के लिए कोई एक ही सुविधा है तो वो उद्योग खात्री कायदा था, वो कायदा के हिसाब से 100 दिन नहीं है। हमारा डिमांड था हमारे एरिया में पूरा तुवर दाल का जो क्रॉप था वो नष्ट हो गया, पूरे के पूरे बर्बाद हो गए, छोटे से छोटे जो कृषक थे वो भी रोड के ऊपर आ गए हैं, किसी के पास भी पैसा नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक ही उद्योग खात्री था ना, उसके लिए एक आशा किरण था। हमारा डिमांड था 100 दिन से 150 दिन तक उसको बढ़ाए, सभी खेती मजदूर जो है तो गांव से वापस लौटे हुए जो मजदूर है उस मजदूर को काम मिलना चाहिए, काम के बदले में दाम मिलना चाहिए, दाम मिले तो वो लोग सुख चैन से जी पाएगा। लेकिन ऐसा है, इतना जो उसके लिए अनुदान था, पैसा था, पूरा कटौती कर करके 25% भी उसके ऊपर बजट नहीं है, बजट पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा कट कर दिया। बजट ही नहीं है तो काम का सवाल नहीं है, तो लोग काम नहीं ले सके, इसलिए उन लोगों का हिडन एजेंडा है। सुबह में एक कानून निकलते, शाम में काम निकलते, KYS करो, NMMS करो, एक ना एक सूचना आड़ा ला के लोगों को पीछे दखल दे रहे हैं। लोगों को काम देना नामुमकिन हो जाए, उसका मंसूबा है, उन लोगों का मंसूबा है, लोग खुद उस काम से निराशा होके भटक जाए, वो काम मांगने के लिए आ नहीं सके, काम मांगने के लिए आना ही नहीं है उसको, तो खुद ब खुद पीछे हट जाए, ऐसा उनका मंसूबा है। उस मंसूबा को पूरा करने के लिए आज हमारे एरिया में 45 डिग्री सेल्सियस जो धूप रहते हैं, उस धूप में सुबह 10 बजे से शाम 5-6 बजे तक बैठना बहुत मुश्किल है, वो बेइंसाफी है, बेइंसाफ लोगों के साथ बेइंसाफी है। ऐसा मत करो भाई, लोगों को काम दो, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा? आप तो एसी रूम में बैठे सोए हैं, आप बड़े बड़े बिल्डिंग में बैठे से जो लोग हैं खेती बाड़ी में, खुद का घर भी नहीं है, इस ऐसे हालत में लोग जी रहे हैं, तो आप एक सेकंड भी जहां लोग हैं ना, गरीब लोग बसते, एक सेकंड टिक नहीं पाते आप लोग, लेकिन वो लोग जी रहे, उसको काम दो। काम देने के लिए हिचकिचाओ मत, कोई बिल्डिंग नहीं मांग रहे लोग, गाड़ी घोड़ा नहीं मांग रहे, काम मांग रहे। वो काम लेने भी मुश्किल हो जाए तो नए नए कानून निकाल रहे हैं।
ऐसा मत करो, इसलिए हम धरना 6 तारीख को एमपी है ना, ये डबल इंजन सरकार का विरोध करना हमारा मकसद है। तो हमारे एमपी है ना, ऐसे ऐसे कानून निकालते वक्त सो जाते हैं अंदर जाके। क्या करते हैं एमपी लोग, पूरे ज़िले की जो समस्या है वो उठाना नहीं, इसमें उधर TADA लेने के लिए जाते हैं, क्या 40% कमीशन लेने के लिए जाते हैं। अरे उठ जाओ, आपके इर्द गिर्द में आजू बाजू में जो गरीब है उन लोगों का हालत तो देखो, कनिष्ठ इंसानियत तो अपने ऊपर है तो जाग लो। इसलिए 6 तारीख को हम एमपी के घर के सामने धरना प्रदर्शन निकल रहे, सभी महिला संगठने वाले और कायकजीवी संगठने वाले 6 तारीख को हम आ रहे। जो कुछ करना है कर सके तो आप लोगों के लिए अच्छा करो, नहीं करे तो हमारा सामना करो बस।